न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। हिंदू नव वर्ष की आज से शुरुआत हो रही है। इसी के तहत जमशेदपुर में डिमना सुभाष मैदान, मानगो गांधी मैदान, टेलको राम मंदिर, जुगसलाई, राम टेकड़ी रोड सहित कई स्थानों से आज नव वर्ष यात्रा निकले, जो देर रात तक आम बगान साक्षी। इसी अवसर पर सभी धर्म प्रेमियों ने काफी उत्सव देखा गया। टेलको से निकले यात्रा में जहां छव नृत्य आकर्षण का केंद्र बना है, वहीं विभिन्न प्रकार की झांकी भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपात के रूप में आज से हिंदू सनातन धर्म का नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। भगवा ध्वज से पूरा जमशेदपुर पट गया है। नव वर्ष यात्रा के लिए रूट तय की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, विभिन्न स्थान पर बैरिकेडिंग की गई है, यातायात व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आप जैसा जानते हैं कि हर वर्ष की भांति ये जो कार्यक्रम है सुभाष मैदान में, यहाँ पे अंतिम में सारे जगह की झांकियाँ जो निकलती हैं शहर से और सभी जगह से लोग इकट्ठा होकर के पूरे उमंग उल्लास से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और यहाँ भारत माता की आरती होती है। इसी कार्यक्रम में हम लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से प्रमर्शी विकास मंच के द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से एक लघु जलपान हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं जो भी हमारे आगंतुक यहाँ आते हैं उसके लिए। कितने लोग यहाँ जमा होंगे श्रद्धालु? कि ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, आपको तो पता है, ये पूरे जमशेदपुर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और पूरे शहर के एक एक कोने से लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि 1,00,000 के लगभग लोग यहाँ एकत्रित होंगे। पूरा परिचय दे दीजिए। विकास सिंह, द मर्सी विकास मंच।